हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति क्लास 10th की जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत अच्छे से कम्प्लीटली किया था, और जिसमें से हमने सब कुछ इंट्रोडक्शन में बता दिया है। आज हमको करनी है एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th की यानी कि कक्षा 10 की त्रिकोणमिति, ठीक है, कक्षा 10 की त्रिकोणमिति, जिसका एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 यानी 8.1 को हमको पढ़ना है, जिसका पहला सवाल आज हम देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो तो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम क्वेश्चन को पढ़ना नहीं चाहते। क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से रीड करो, जिससे तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन एकदम अच्छे से सेटअप हो जाए। हमने एक आपको ट्रिक भी बताई थी पिछली वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन में, जब हमने 8 त्रिकोणमिति चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जो सबसे पहला वीडियो आया था हमारा। आज ही हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज देखने चल रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन देखा था त्रिकोणमिति आखिर है क्या। मैंने उसमें सब कुछ बताया था, त्रिकोणमिति क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है त्रिकोणमिति का यूज, सब कुछ बताया था। इस तरह से मैंने आज ये एक्सरसाइज शुरू कर दी है और आज ये एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। उसका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज है जो ABC है, जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, इसका कोण बी समकोण है। तो मैं एक त्रिभुज बनाने चल रहा हूँ जिसका कोण बी समकोण बनाने चल रहा हूँ, मतलब एक समकोण है यहाँ पर, कोण बी क्या है उसका समकोण है, ठीक है। ये ऐसा एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बारे में मैंने सब कुछ बताया है आपको पहली वीडियो में। आज हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे क्वेश्चन, धुआंधार क्वेश्चन करेंगे, बहुत तेजी के साथ सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्या कह रहा है, त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज ABC है। तो ABC याद रखें, हमने नाम बाद में क्यों दिया, क्योंकि ये देखिए इसने कहा बी समकोण है, तो बी पर हमने समकोण त्रिभुज का रखा, ये ऐसा ये बात, तो ठीक है बी समकोण त्रिभुज है। और AB जो है वो है 24 सेंटीमीटर, ए और बी जो है वो है 24 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तक हम अभी सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, 24 सेंटीमीटर ऐसे ही पढ़ा जाता है क्वेश्चन में। जब आप पढ़ो तो उसमें नजर आए क्वेश्चन में कि क्या क्या दिया गया है, ठीक है। BC क्या है आपका, 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये है बी और सी, बी से सी तक 7 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया है, गिवन है अपने को, ठीक है। इतना हो गया। अगला, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इतनी जानकारी देने के बाद आपको ज्ञात करना है साइन ए का मान, कॉस ए का मान और साइन सी का मान और कॉस सी का मान। क्लियर इतनी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने। तो जरा आप मुझे बताएं कि हमने जो ट्रिक बताई थी वो क्या थी, लाल बटे काका, लाल बटे काका, आपको याद होगी ये जो मेरी ट्रिक थी, बहुत अच्छे से मैंने बताया था। ये होता है साइन वाला, ये होता है कॉस वाला, ये होता है टेन वाला। जब हमको साइन का मान ज्ञात करना होगा तो लंब बटे कर्ण लगा लेंगे, कॉस का मान ज्ञात करना होगा तो आधार बटे कर्ण लगा लेंगे, और टेन का मान ज्ञात करना होगा तो लंब बटे आधार लगा लेंगे। अभी मैं यूज करके दिखाऊंगा इसको कैसे। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है साइन ए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करना अपने को साइन ए का मान। तो जरा मुझे एक बात बताएं, साइन ए बराबर होता क्या है। देखिए साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसमें लंब कहाँ है, अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यूज कहाँ से कैसे हो रहा है, लंब कहाँ है इसमें। तो लंब है ये भैया 24, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 24 लंब के जगह पे, ठीक है। अच्छा कर्ण क्या है, कर्ण है ए से सी तक, हमको तो पता ही नहीं है। अब लो, अब कैसे सवाल लगेगा, तो इसके लिए पिक्चर में आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परमेय। अगर जिसको पाइथागोरस परमेय आती है वही ये सवाल लगा सकता है, अदरवाइज कोई ये सवाल नहीं लगा सकता जब तक पाइथागोरस परमेय जिसको ना याद हो। क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो हाइपोटेनियस है, मतलब जो ये कर्ण है,
कर्ण ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय वाली वीडियो जो मेरी ना देखी हो किसी ने, वो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके हमारे बेसिक मैथ में पाइथागोरस प्रमेय आपको मिल जाएगी। मैंने बहुत क्लियरली समझाया है और उसको अगर आप देख के आते हैं तो ये चैप्टर आपको एकदम ईजिली बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से मैं इसको निकालने चल रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है कर्ण की और कर्ण है ए से सी तक, तो मुझे ए से सी तक निकालना पड़ेगा और ए से सी तक निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूँगा। अब चल रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने, तो ये मिटा रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे अभी पहले इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा तब ये फॉर्मूला काम करेगा मेरा, क्योंकि नीचे मुझे कर्ण लिखना है और कर्ण लिखने के लिए इसको पता होना चाहिए और मैं यही निकालने चल रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए निकाल लेते हैं, मैं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगा के निकाल दे रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा जितना आएगा यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से यूज कर लेता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है जरा बताना। मैंने कहा था पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो बताया था, याद आया यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है आपका, ए से सी तक कर्ण है, तो ए सी का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है, लंब तो पता है, मैं ये नहीं लिखूंगा कि ए बी तक लंब है, मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ 24 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका, सात का स्क्वायर। अब नाउ क्या करेंगे ए सी वो वाला ए सी नहीं, ये जो हाइपोटेनियस है उसका ए सी है। ठीक है, 24 का स्क्वायर क्या होता है जरा बताना, थोड़ा सा स्क्वायर आप लोग कर लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है 576 होता है, हाँ शायद यही होता है 576 यही होता है, प्लस सात का स्क्वायर क्या होता है 49। स्क्वायर का मतलब आपको पता ही होगा, 24 लिखा है तो 24 को दो बार लिखेंगे, 24 × 24 और गुणा करके यहाँ लिख देंगे, 7 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, 7 × 7 = 49। ठीक है, इस तरह से आपका ये स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब मैं स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ, इन दोनों पहले इन दोनों को जोड़ो कितना होता है, कितना होगा ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625 6 × 25 9 6 15 7 4 11 12 5। ठीक है, 625 हो जाएगा। अब ना ए सी, मैं इस स्क्वायर को इधर भेजता हूँ, जब स्क्वायर इधर आता है तो हो जाता है वो अंडर रूट, तो स्क्वायर इधर आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए सी बराबर अंडर रूट में 625, और 625 का अब वर्गमूल निकालना है अपने को, वर्गमूल तो पता ही होगा, 8th क्लास में पढ़े होंगे आप, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, नहीं पढ़ा तब भी आप बेसिक मैथ की वीडियो में जाके आप देख लो, मैंने वर्गमूल में निकालना बताया है, तो 625 का अगर आप निकालोगे वो वर्गमूल तो आ जाएगा 25, क्योंकि आपको पता है 625 का वर्गमूल 25 होता है, नहीं पता तो आप निकाल के देख लेना। यानी कि ये हमारा है कितना, 25 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया ना। देखो मुझे पता चल गया कि हमारा कर्ण कितना है, क्लियर इतनी बात, अगर क्लियर हो तो आगे चलें, कमेंट करके बताना क्लियर है ना। 25 सेंटीमीटर कहाँ से आया, यानी कि अब हमने कर्ण ज्ञात कर लिया, अब हम ये सवाल लगा सकते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारा जो काम था 25 सेंटीमीटर निकाल लिया हमने, ठीक निकाल लिया, ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं, अब सवाल पे चलते हैं, हमने अपना काम कर लिया, अब मिटा रहे हैं इसको, देखिएगा इसको मिटा दे रहे हैं। 25 सेंटीमीटर निकाला कैसे, समझ में आया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या है यहाँ पर, हमको कर्ण के जगह पर क्या लिखना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर ना ही लगाएं तब भी ठीक है, यानी कि हमारा साइन ए का मान आ गया 24/25, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, साइन ए का मान आ गया अपने, अब क्या करना है, साइन, अब कॉस ए का मान ज्ञात करना है, सेकंड नंबर क्या है, कॉस ए, सेकंड नहीं है, ये पहले सवाल का ही दूसरा भाग है, पहले सवाल का साइन ए आ गया, अब कॉस ए ज्ञात कर रहे हैं, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। अच्छा आप सोच रहे होगे कि 24 का कैसे हमने लिखा, क्यों सोच रहे हो, तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे साइन ए, हम अपने को साइन ए निकालना था, साइन ए कोण ये है, कोण क्या है ये है,
साइन ए मतलब इसके सामने का जो है ये लंब है, इसके सामने का जो है लंब ये है, तो ये लंब यानी कि लंब के जगह पे मुझे लिखना चाहिए था सात। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आप इसको सुधार लें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कोण ए देखिए ना, साइन ए तो यानी कि कोण ए के सामने वाला लंब, ये लंब है अपना, ये क्या है लंब, तो मैंने लंब की जगह पे सात और जिस तरफ पाइथागोरस प्रमेय से 25 निकाला था तो कार्ड के जगह 25 लिख दिया। क्लियर इतनी बात, ठीक है। आगे कॉस ए, कॉस ए जब कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए ये तो लंब हो गया, तो कॉस ए में आपको आधार बटे कर्ण लिखना है, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण है तो आधार तो यही बचा, तो यानी कि 24 आधार बटे कर्ण, यानी कि 24 बटे, अच्छा कर्ण कितना है भैया, कर्ण तो 25 है, कर्ण तो वही है 25 जो अभी निकाला था हमने, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्या है, साइन सी, साइन सी, साइन सी क्या है, साइन सी। अब ध्यान से देखिए, कोण बदल गया, सी कोण क्या आ गया, सी आ गया, तो जब इस कोण की बात करेंगे तो ये कोण नहीं रहेगा हमारा, ये कोण अब दूसरा कोण क्या बन गया, ये सी बन गया, कोण सी बन गया। जब कोण सी बना तो आधार बट सबसे पहले साइन के बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, तो एल बटे के हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा है, लंब हमारा है, ध्यान से देखिए, इस कोण सी की बात करें तो इसके सामने का लंब ये हो जाएगा, देखो लंब बदल गया ना, लंब और आधार बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह बदलते रहते हैं, तो जब सी की बात की हमने, यहाँ पे कोण सी देखा तो कोण सी यहाँ था, अब इसके सामने कैसा जब देखा हमने तो लंब ये था हमारा, तो हमने लिखा लंब 24 ये, और बटे में कर्ण लिखना आपने को, कर्ण तो 25 है, कर्ण तो बदलेगा ही नहीं क्योंकि कर्ण एक ही होता है त्रिभुज में, ठीक है। ये हो गया आपका साइन सी का मान, अच्छा कॉस सी भी निकालना था अपने को, कॉस सी का मान, कॉस सी मतलब आधार बटे कर्ण, कॉस का मान लिखने के लिए आधार बटे कर्ण चाहिए अपने को, तो ए बटे के आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो जरा ध्यान दे आधार क्या होगा, कॉस सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाला लंब है, जब ये लंब है सी के सामने वाला तो ये कर्ण है, बचा क्या आधार, यही बचा, तो आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, बटे में आधार बटे कर्ण, कर्ण यानी कि 25, यानी कि हमारे पास ये 4 आंसर आ गए, एक आंसर ये 4 आंसर आ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया से समझाया मैंने, जरा आप ध्यान दें, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं क्या, कि साइन ए की बात की तो हमने ये वाला कोण लिया, और जब ये कोण लेते हैं तो इसके सामने की भुजा जो है वही लंब हो जाएगी, लंब ये हो जाएगा, कब, जब कोण ए की बात कर रहे हैं, ए की बात, तो ये लंब हो गया जिसके कारण मैंने लंब के जगह पे 7 लिखा, जहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी लेकिन अब ठीक है, 7 लिखा, और लंब बटे कर्ण तो 25 ही है तो 25 लिखा। दूसरे में कॉस ए, फिर कॉस ए की बात की तो ए के सामने का मुझे लंब, लंब ये था क्योंकि ए के सामने का ही तो लंब होगा, जब लंब ये था और फिर आधार क्या हो जाएगा, आधार यही तो होगा क्योंकि ये तो कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार के लिए मैंने लिखा 24 और बटे में कर्ण 25 लिखा। क्लियर। अब जब कोण बदला, यहाँ पे देखो सी बदल गया, देखिए यहाँ पे ए था और यहाँ सी आ गया, यहाँ पे ए था यहाँ सी आ गया, जब सी की बात करेंगे तो सी की बात तो ये है, तो सी के सामने की भुजा जो है वो लंब होगी जो कि 24 है, तो लंब मैंने 24 लिखा और बटे में कर्ण यानी कि 25 लिखा। देखिए यहाँ से जब कॉस सी की बात करेंगे तो सी के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, लंब है, और जब ये लंब है तो आधार ये होगा, तो आधार मैंने 7 लिखा और कर्ण तो 25 है क्योंकि कर्ण तो बदल नहीं रहा, कर्ण पर हमको ध्यान नहीं दे रहा, ध्यान किस पर देखना है, लंब और आधार पर, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट इस तरह से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़िया से देखें इसको, ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखें, जरूर समझ में आएगा आपको। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि दिया गया है, एक आकृति दी गई आपको, सेकंड क्वेश्चन कहता है एक आकृति दी गई आपको, आकृति ये वाली, ऐसा आपके बुक में दिया गया है, आकृति नहीं फिगर दिया गया है एक, उसमें लिखना, उसमें आपको निकालना है टैन पी, यानी कि टैन पी, देखिए ऐसे टैन पी निकालना है और उसमें से टैन आर निकालना है, कॉट आर निकालना है और दोनों को घटाना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एक बार हम tan p निकालते हैं, एक बार cot r निकालते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो tan p के लिए आपको पहले फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लाल बटे काका,
ये है साइन के लिए, ये है कॉस के लिए, यह है टैन के लिए, यह है टैन के लिए, ठीक है। इसी को उल्टा कर दो तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो मुझे इसमें ज़रूरत है टैन और कॉट की, तो मैं सिर्फ टैन वाला फार्मूला लिखता हूँ, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, तो मैं सिर्फ यही लिखता हूँ फार्मूला, क्योंकि हमें ज़रूरत क्या है, सिर्फ टैन और कॉट की, तो मुझे साइन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी को फार्मूला यही वाला लिखता हूँ, टैन वाला ही, ठीक है। ये टैन वाला फार्मूला है, यहाँ पे टी लिख देता हूँ, आप समझ जाना, क्लियर। टैन पी निकालना है अपने को, तो टैन पी, तो कोण को देखें, कोण सबसे पहले ज़रूरत है कोण को, तो कोण को देखने के लिए यहाँ पे पी की कोण की बात कर रहा है, यानी कि इस कोण की, ये वाला कोण, ये वाला कोण है पी। तो याद रखें जहाँ पे कोण होता है उसी के सामने की भुजा होती है लंब, ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। मतलब ये लंब है, ये तो कर्ण है ही, कर्ण नहीं बदलता, और दूसरा ये है, ये हो जाएगा फिर आधार, पक्का पक्की बात है कि आधार हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं टैन की, तो जब भी हम, जब हमको निकालना था टैन पी, मैंने सोचा कि लाओ पहले टैन पी निकालते हैं, टैन पी तो लंब बटे आधार लिखना था अपने को, तो लंब बटे आधार लिखना था, तो टैन पी बराबर, अच्छा लंब निकालना था, टैन पी, पी की बात करते हैं तो उसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, यानी कि क्यू आर जो है लंब है, अपने को तो पता ही नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय फिर से आ जाएगी मेरे पास। अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय देखी है वीडियो मेरी, तो आपको तुरंत समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकाल रहे हैं, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लें, और जिसको आती है तो उसको, उसके लिए तो भाई अच्छी बात है, ठीक है। एल, एल बराबर यानी कि लंब, लंब है क्यू ओ आर, क्यू आर, तो मैं इसको भी छोड़ता हूँ लंब, क्योंकि अभी निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और ला के रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ए यानी कि आधार, तो जब ये है लंब हो गया है, ये तो कर्ण है ही, तो बचा क्या, आधार बचा 12 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे लिख देना 12। अब सिर्फ अपने को लंब वाली जगह पे लाके फिल करना है एक वैल्यू, तो वो वैल्यू कहाँ से निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ लिखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसको, इसको, ठीक है। तो कर्ण, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, सबका वर्ग करके जोड़ देंगे। अच्छा कर्ण तो पता है अपने को, इस बार क्या है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर बराबर, जहां पे जो चीज पता रहे वहीं पे वही चीज रख दो बस, ठीक है। लंब, अच्छा लंब क्या है आपका, लंब याद रखें, लंब को पहले पहचाने, हाँ लंब क्या है, लंब है इस त्रिभुज में ये वाला, ठीक है 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 के स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपका, आधार क्या है आपका, आधार है आपका क्यू आर, आधार है क्यू आर, ये तो निकालना है अपने को, आधार हो चाहे जो, मुझे कुल मिला के, मुझे कुल मिला के इससे नहीं मतलब कि लंब कौन सा है कर्ण कौन सा है, इसमें कुल मिला के हमको इससे मतलब है कि मुझे क्यों आर मिल जाए बस, चाहे आप इसको यहाँ रख लें चाहे आप इसको यहाँ रख लें। चलिए मैं लंब निकाल रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, क्यों आर यहाँ रख देता हूँ, क्यों आर का स्क्वायर और लंब की जगह, लंब निकालना था ना तो लंब यही तो था, निकाल दे रहे हैं क्यों आर प्लस आधार, आधार कौन सा था, आधार ये 12 सेंटीमीटर, अब तो ठीक है, ठीक है 13 का स्क्वायर 169 करके देख लेना आप, 13 × 13 169 आएगा, क्यों आर, क्यों आर का स्क्वायर ऐसे कैसा है तो उतार लो अभी थोड़ी देर, और 12 का स्क्वायर यानी कि 12 × 144 हो जाएगा, आप निकाल के देख लेना। अब इसको देखो यहाँ से ये प्लस है, इधर ला के माइनस कर देते हैं, ठीक है इधर ला के माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे 169 − 144 बराबर इधर आ जाएगा क्यों आर का स्क्वायर, क्लियर है। अब इसमें से घटाओ 9 घटाएंगे 9 में से 4 गया 3 और यहाँ पे बचा 9 में से 4 गया 3 और 6 में से 4 जाएगा 9 में से 4 गया तो 5 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा और यहाँ पे बचा है यहाँ पे 6 है 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और एक में से 1 जाएगा 0 देखिए 25 आ गया ठीक है। और यहाँ पे है क्यों आर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर को भी इधर भेज देता हूँ तो जैसे इधर इधर भेजूंगा तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट में बन जाएगा और 25 का अंडर रूट 5 होता है तो यानी कि यहाँ से आपका क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर यानी कि हमारा जो लंब है क्यू आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर यहाँ पे अंडर रूट 25 जब निकालेंगे अंडर रूट निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5 ही तो यहाँ पे 5 लिख दिया हमने तो हमारे पास आ गया 5 ये आधार क्या आ गया 5। अब क्या करेंगे अब हम अपना tan p आराम से निकाल लेंगे tan p
पी यहाँ पे है और पी के सामने की भुजा लंब है और लंब के जगह पे अपने पाँच लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पाँच, हो गया। और आधार तो अपने को पता ही था, ये 12 सेंटीमीटर। क्यों आधार ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके सामने भुजा ये लंब हो गई और वो तो कर्ण है, तो आधार यही तो बचा, हो गया आधार। ठीक है, ये हो गया आपका टैन पी का मान। अभी हमको कॉट आर का मान निकालना है, इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारा जो काम था वो निकाल लिया हमने। ठीक है, अपनी कॉपी में ऐसा लिखना है आपको, फिर उसके बाद ये सब सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इसको लिखना है, मान निकालना है इसका, तब ये सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको अलग से सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैंने कॉट पी का मान निकाल लिया है। मैंने क्या किया, कॉट पी का मान मैंने निकाल लिया। ठीक, अब मुझे कॉट आर का मान चाहिए। ध्यान से देखिएगा, कॉट आर का मान चाहिए। अब जब आर की बात करेंगे हम, कहाँ है आर, आर जरा देखें, आर यहाँ पर है। तो जब मैं आर की बात करूँगा, ये कॉट आर की जब बात करूँगा, मतलब कोण आर है यहाँ पर, देखिए ना आर, जब आर की बात करूँगा तो उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। अब लंब ये नहीं रहा बेचारा, अब लंब कौन सा हो गया, अब लंब ये हो गया। क्यों? क्योंकि कॉट आर के सामने की भुजा ये है और ये हो गई लंब। हाँ, तो ये कॉट आर का मान जरा देखें यहाँ पे, टैन टैन का मान होता है लंब बटे आधार, टैन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। फिर टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का मान ए ऊपर कर दो, एल नीचे कर दो, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ए ऊपर एल नीचे, आधार बटे लंब। क्लियर इतनी बात? तो बराबर कॉट आर बराबर आधार, कॉट आर बराबर आधार बटे लंब। जब आर की बात कर रहे हैं तो आर के सामने की भुजा लंब है, आर के सामने की भुजा लंब है, तो आधार के पहले आधार लिखना है अपने को। जब ये लंब है, कॉट आर के सामने की भुजा, आर के सामने की भुजा लंब है, तो ये तो कर्ण है, तो बचा कौन, ये, तो यही हो जाएगा आधार। तो आधार की जगह पाँच, और आप जानते हो कि कॉट आर, जब आर की बात करते हैं तो लंब ये है, तो लंब की जगह लिख देंगे 12। तो इस तरह से हो गया ये कॉट टैन पी का मान और ये कॉट आर का मान। तो अब बात करते हैं, ये सब सवाल क्या था आपका, क्या निकालना था, टैन पी माइनस कॉट आर निकालना था। तो यहाँ लिख देते हैं टैन पी माइनस कॉट आर, क्या हो जाएगा, टैन पी का मान हमने निकाला 5/12, थोड़ा सा छोटा करते लिखते हैं, 5/12 माइनस कॉट आर का मान, कॉट आर का मान निकाला हमने 5/12, देखिए 5/12। और दुर्भाग्यवश कि 5/12 में से जब 5/12 को घटाएंगे तो आएगा 0, इसका आंसर क्या हो गया, 0। क्लियर? नहीं समझ में आया, फिर से एक बार, जैसे हमने कहा आपके पास 5 रुपए है और 5 रुपए खा लिया, समझे कितना, 0, तो वही तो है, वही तो है। बहुत इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मैंने बहुत क्लियरली समझाया है, आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितने मेहनत से आपको समझा रहा हूँ। तो एक लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे मेरी वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। आप मेरी वीडियोस को लगातार वॉच करो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो फिर से वीडियो को पीछे करके ध्यान से देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कि बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 और तो कॉस ए बराबर कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब कॉस ए और टेन ए निकालिए, बताइए कितना होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो ज़रा आप मुझे बताएं कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ तो लाल बटे काका, ट्रिक है हम अपनी, तो ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन। अपने को साइन को पता है, साइन का मान पता है 3/4, तो मैं इसको मैं सब कॉस वाला और टेन वाला मिटा रहा हूँ। देखिएगा, कॉस वाला और टेन वाला मिटा रहा हूँ, देखो बचा क्या, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन का जो फॉर्मूला है वो है लंब बटे कर्ण। तो अपने को मतलब क्या पता है, लंब पता है, देखिए ना, साइन ए बराबर 3/4 और साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब ये है लंब, ऊपर वाला है लंब और नीचे वाला है कर्ण। तो अपने को इस सवाल से आपको पता चल गया होगा कि यानी कि लंब बराबर है 3 और नीचे होता है कर्ण, अभी बताया था मैंने, लाल एल बटे के ये साइन का फॉर्मूला था, लंब बटे कर्ण, यानी कि कर्ण बराबर है 4। क्लियर इतनी बात?
इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, मतलब इसमें ये ऊपर वाला लंब होगा क्योंकि हमने फार्मूला पता है, तो ऊपर वाला यानी कि लंब लंब दिया गया है और नीचे वाला कर्ण दिया गया है। मैं इससे बना ले रहा हूँ अपना, ठीक है। लिखते कैसे थे, लंब बटे कर्ण ही तो लिखते थे, तो लंब ये 3 है, आधार 4, कर्ण 4 है, तो लंब 3 है और कर्ण 4 है। तो इस तरह से मैं एक फिगर बना सकता हूँ अपना, एक फिगर बना सकता हूँ कि लंब जिसमें मैं दिखा दूँ कि लंब जो है वो दिखा दूँ 3 और कर्ण जो है वो दिखा दूँ 4, ठीक है, 4, ओके। नाउ अब बात करते हैं क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है। तो पहले कॉस ए की बात कर लेते हैं, तो लाल बटे कका से कॉस ए निकालना है। तो ये साइन का हो गया, ये कॉस, कॉस में आधार बटे कर्ण आता है, कॉस में, कॉस ए में आधार बटे कर्ण आता है। तो ये कोण ए है, ये कोण ए है, क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ ये कोण ए है, क्यों कह रहा हूँ कि ध्यान देखिए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, मतलब ए की बात कर रहा है, तो ए बराबर ए ए, कोण ए अगर ये होगा तभी तो इसका सामने का लंब होगा, यहाँ पे तभी तो 3 आया है ना। फिर से एक बार, अगर मैं साइन ए की बात कर रहा हूँ तो मुझे ए कोण की बात करनी पड़ेगी, यही वाला कोण लेना पड़ेगा। अच्छा क्यों यही लेना पड़ेगा, ये वाला क्यों नहीं लेना पड़ेगा, ये बता रहा हूँ। देखिए ए वाला लेंगे तभी तो साइन ए की बात करें, तो इसके सामने का मतलब लंब होना चाहिए, यही यही लंब होना चाहिए। तो साइन ए बराबर दिया है लंब 3/4, ये 3 है, 3 है, तो लंब यानी कि यही होगा, तभी तो वो आया है यहाँ पर फॉर्मूले में। तो मतलब ए तो फिक्स है कि यही ए है, कोण ए क्या है, यही है, कोण ए बराबर यही है। तो अपने को पता है कोण, साइन ए पता है, अपने को कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए बराबर होता कितना है, कॉस ए, कॉस ए इसके सामने की जो लंब हो गई ये 3 तो लंब हो गया, और अपने को कॉस में आधार बटे कर्ण चाहिए। तो जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार होना चाहिए, तो मुझे इसका मान लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आधार की जगह पे, तो मुझे आधार निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आधार को निकाल ही ले रहा हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो मैं ये भी फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर यानी कि बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जरा देखें, कर्ण है 4 आपका, तो 4 का स्क्वायर, देखना यहाँ पे कर्ण 4 है, बराबर लंब है आपका 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, आधार ये वाला आधार, ये मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी, मतलब ए बी रख देता हूँ मैं नाम इसका, ठीक है ना, यहाँ से ए आधार है, ये नाम रख दिया मैंने, ठीक है। अब ये 4 का स्क्वायर होगा, 4 × 4 = 16, ये इसका 3 × 3 = 9, इसका तो ए बी है, तो ये कहाँ से स्क्वायर होगा, अभी तो इसी को निकालना है अपने को, 9 को इधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 9 इधर अगर आएगा तो ध्यान से देखिए, अगर 9 इधर आएगा तो 16 में से 9 को घटा देंगे, तो जरा ध्यान दें क्या है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो 16 में से 9 को घटा देंगे, इधर आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, और 16 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 × 9 = 7 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ना लिख के मैं स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, मतलब ए बी की भुजा की लंबाई क्या है, अंडर रूट 7, अंडर रूट कितना 7, ठीक है, मैंने निकाल लिया अंडर रूट 7। अब बात करते हैं कॉस ए, अब अपना आराम से निकल जाएगा, चाहे जो निकालना हो, कॉस से निकालना हो, टेन से निकालना हो, जितना भी निकालना हो अब आराम से निकल जाएगा। चलिए यहीं इतने में बात कर लेते हैं, अपने इतने में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं साइन ए, दिया आपने को कॉस ए पूछा था, अब सवाल शुरू होता है कॉस ए का, कॉस ए जब बात करेंगे कॉस ए की, तो ए के सामने की भुजा ये लंब हो गई, और कॉस ए में अपने को लिखना होता है आधार बटे कर्ण, बीच में देखो ना आधार है बटे कर्ण है, तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गई और ये तो कर्ण है, तो आधार यही हुआ √7, यही तो निकाले अभी, तो √7 आधार बटे कर्ण, कर्ण तो 4 ही है, वो तो बदलेगा नहीं, ये हो गया 4, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर टैन ए पूछा था, तो टैन ए यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए टैन ए के लिए लंब बटे, ये है टैन वाला फॉर्मूला, टैन लंब बटे आधार, टैन ए, ए के सामने की भुजा लंब ये है, तो मैं लंब लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि लंब तो लिखना ही है अपने को, बटे में आधार लिखना है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये तो कर्ण है, तो आधार √7 है, तो √7
इस तरह से हमारे दोनों आंसर, कॉस ए का आंसर ये, टेन ए का आंसर ये, तो मतलब एक आंसर आपका ये वाला है, एक आंसर आपका ये वाला है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके, चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर हम इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो चलिए एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। यदि दिया है आपको, यदि 15 cot A इक्वल्स टू 8, कितना 15 cot A बराबर 8 हो, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही लगाना है, थोड़ा सा अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वही सेम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वही चलेंगे जो बताया मैंने, लेकिन बस थोड़ा सा डिजिट्स बदली रहेंगी। बस देखिए कैसे कर रहे हैं। ये दिया है आपको, यहाँ से देखिए 15 cot A बराबर 8 दे रखा है, 8। आप एक काम करो, इस 15 को ना इधर भेज दो, पक्षांतर कर दो, तो cot A बराबर 8 बटे में 15 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। फिर नाउ अब देखेंगे cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot A का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने कहा लाल बटे काका, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, याद रखें, पूरी एक्सरसाइज आपको इसी फॉर्मूले से हो जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। लाल बटे काका, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। अच्छा, कॉट किसका उल्टा है? टेन का ही तो है। मैंने कितनी बार बताया आपको, जब से एक्सरसाइज शुरू किया या कल इंट्रोडक्शन में, सब कुछ बताया आपको कि टेन किसका उल्टा है? कॉट का। तो टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, मतलब अपने को कॉट चाहिए तो ए को ऊपर कर दो, एल को नीचे, मतलब मुझे कॉट की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस दोनों को मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब मुझे टेन क्योंकि टेन कॉट का उल्टा है, तो मुझे सिर्फ टेन वाला फॉर्मूला चाहिए, तो एल बटे ए। तो मुझे अगर कॉट चाहिए, कॉट का चाहिए, तो ए को ऊपर करो, एल को नीचे करो, तो ए बटे एल। ये टेन का है, ये क्या है, ये टेन का है, ये किसका है, ये टेन का है, टेन ए का। और ये अगर मुझे कॉट का चाहिए तो आधार बटे लंब करना पड़ेगा, मतलब ए को ऊपर एल को नीचे। तो ये देखिए, ये ए को ऊपर कर दिया मैंने, एल को नीचे कर दिया, तो ये हो गया कॉट का फॉर्मूला बन गया। मतलब इसको बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप जान लो कि कॉट ए बराबर 8/15 है अगर, तो इसमें जो 8 है वो आधार है और जो 15 है वो लंब है। तो मैं 8 को आधार और 15 को लंब लिखने चल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर 8 क्या है, आधार। तो आधार यहाँ पर कितना है, सवाल में हमारे जो दिया है आधार वो है 8, आधार है 8, लंब नीचे वाला लंब है, नीचे वाला लंब है, तो लंब कितना है, एल से लंब, ए से आधार, लंब कितना है 15। समझ में आया? अब इसके हिसाब से मैं एक फिगर बनाने चल रहा हूँ, चित्र, क्योंकि बिना चित्र बनाए तो आप समझोगे नहीं, ताकि आपको फील हो जाए। मैं क्वेश्चन सिर्फ लगवाऊंगा नहीं, बल्कि फील भी करवाऊंगा कि आखिर आ कैसे रहा है, कहां से कैसे कुछ हो रहा है, ठीक। तो बात करेंगे cot A की, तो ये है आधार और ये है लंब, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला एक फिगर बनाने चल रहे हैं, ये ऐसा कुछ फिगर है आपका। तो मैंने बात की cot A की, तो मैं A को ये ले रहा हूँ, जब भी जिस कोण की बात करेंगे उसी के सामने वाला लंब होगा, तो उसके सामने की भुजा ये है, तो ये हो जाएगी लंब इसका, तो लंब कितना है अपना 15, तो यहाँ पे लिख दो 15। चित्र समझ में आ रहा है ना, कैसे बना रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, सब कुछ एक एक चीज नोट करते जाएंगे। देखिए cot A बराबर आधार बटे लंब होता है, तो मैंने cot एक फिगर बनाया जिसमें A कोण ये लिया, तो इसी के कोण के ठीक सामने वाला हो जाएगा लंब, और सवाल में लंब इतना है 15, तो मैंने 15 वहां लिख दिया, ठीक है। और बात है करते हैं आधार की, तो ये तो लंब है और ये तो पक्का पता है कि आपको आधार, ये कर्ण है, तो आधार यही होता है, आधार यही बचता है, तो यही आधार होगा 8। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी एंड ए सी, एंड बी एंड ए सी। अब बात करते हैं साइन की, तो साइन में आपको पता है कि, अब तो आपको पता ही होगा, अगर साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अब आपको याद हो रहे होंगे धीरे धीरे फॉर्मूले धीरे धीरे याद हो रहे होंगे, आपको ट्रिक की जरूरत कम पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे पूरे फॉर्मूले धीरे धीरे। तो याद कर, ध्यान दे, आधार बटे कर्ण, मुझे साइन ए निकालना है, तो कर्ण की जरूरत मतलब इसकी पड़ने वाली है, तो मैं इसको पहले से ही निकाल ले रहा हूं कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण कितना होगा। तो कर्ण मुझे पता है पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, याद हो गया होगा आपको पाइथागोरस प्रमेय, जिसको नहीं भी पता है मैं यहाँ पे सब कुछ लिख ही रहा हूँ इसी से याद कर लो क्योंकि यही तो है पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ भी यही बताया यहाँ भी यही बता रहा हूँ, वहाँ पे क्वेश्चंस में दो ही तीन क्वेश्चन कराए हैं तो बार बार आ रहा है, मतलब बार बार एक क्वेश्चन कर रहे हो ठीक है लंब आधार का वर्ग, लेकिन वहाँ से देख लेंगे तो आपको क्लियरली बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ताकि यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आएगा, जिसको आ रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्लियर है। कर्ण अपने को निकालना है, देख लीजिए यहाँ पे एसी नहीं पता अपने को, यही तो कर्ण है तो एसी लिख लो एसी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण एसी तो है, ए से लेकर सी तक ही तो कर्ण है, तो मैंने एसी लिख दिया कर्ण के जगह पे और उसका स्क्वायर कर दिया। लंब, लंब तो पता है बीसी, तो बीसी के जगह पे लिख देंगे 15, क्यों, क्योंकि बी से लेकर सी तक 15 ही तो है तो इसका स्क्वायर, प्लस आधार, आधार ए से लेकर बी तक है तो 8 है तो 8 का स्क्वायर, इतनी बातें क्लियर होंगी। ए सी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, करके देख लेना 15 × 15 225 ही आएगा, इतना तो तुमको भी याद होगा। 8 का स्क्वायर 8 × 64 हो जाएगा ठीक। अगले स्टेप में ए सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो क्योंकि प्लस में है, दोनों जुड़ेंगे 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2, यहाँ पे 2 है, 5 4 9 और 6 2 8 और 2 ठीक है, 289 ए सी, ए सी स्क्वायर बराबर, मैं क्या कर रहा हूँ मैं ए सी निकालना है तो इस स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ, तो ये अंडर रूट में 289 हो जाएगा, और 289 तो यहाँ ए सी बराबर आ जाएगा आपका, ए सी बराबर इसका वर्गमूल निकालना है अपने को, इसको है इसका वर्गमूल जो आया आएगा वो आएगा 17 यानी कि 17 ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब ये ए सी यानी कि जो कर्ण है आपका ए से लेकर सी तक वो आ गया 17, वो आ गया 17, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम चलते हैं, ये तो पाइथागोरस प्रमेय का हमने यूज इसलिए किया ताकि हमको ये कर्ण पता चल जाए यानी कि हाइपोटेनियस पता चल जाए ए से लेकर सी तक। तो अब इतना पता चलने के बाद अब हम साइन ए और कॉस सेक ए निकालना था अपने को, तो साइन ए निकाल सकते हैं इजीली एकदम और सेक ए भी इजीली निकाल सकते हैं एकदम, तो इस तरह से आप इसका सवाल लगा सकते हैं। अब इसको मैं मिटाने चल रहा हूँ ताकि मैं इसको निकाल सकूँ, ताकि यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, नहीं तो यहीं पर निकाल दे रहा हूँ, हो जाएगा इतने अपना काम ठीक है। क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, साइन ए, अच्छा साइन ए बराबर हमने बताया था आपको लंब बटे होता है कर्ण, एक ट्रिक बताई थी लाल बटे कका का, तो मैंने बताया था ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का होता है, तो साइन में लंब बटे कर्ण होना चाहिए था। जब मैंने ए के ए को देखा, क्योंकि कोण ए था, जब ए को देखा तो ए के सामने की भुजा जो थी वो लंब थी, तो मैंने लंब के जगह पे लिख दिया 15, क्योंकि लंब 15 ही है अपना, तो लंब और बटे में कर्ण होना चाहिए, तो कर्ण क्योंकि त्रिभुज में कर्ण सिर्फ एक ही होता है जो कि 17 है, तो यहाँ पे नीचे 17 लिख देंगे। इस तरह से ये ए आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक ए, सेक ए निकालना था। अब ये सेक ए क्या होता है, मैंने बताया था कि सेक ए जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में देखिए आप आधार बटे कर्ण है, तो जब हमको सेक निकालना होगा तो आधार को नीचे कर देंगे, कर्ण को ऊपर कर देंगे, यानी कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा ये सेक का फॉर्मूला, तो कर्ण बटे आधार ये सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है, तो सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार हो जाएगा, मतलब कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण कितना है यहाँ पर ए की बात, और ए के सामने की भुजा लंब, ये लंब है तो कर्ण लंब, ये जब लंब है तो कर्ण तो ये है 17, तो 17 पहले आप लिख लो ठीक है, बटे में आधार लिखना है आपको, तो इसके सामने की भुजा ये तो लंब है और ये कर्ण है, तो बचा कौन सा, बचा नीचे वाला जो कि आधार है, तो यहाँ पे बटे में आधार लिख देंगे 8। इस तरह से ये आपका दूसरा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट आपका। आज हमने देखा 4th क्वेश्चन तक, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियोज आप तक हमेशा पहुंचती रहे सबसे पहले, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।